रिलैक्स चल रही है। डैम, इस गाड़ी के लिए रेनो को महिंद्रा का आभारी होना चाहिए। वीडियो पूरी देखना, कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। आई वांट इट। ये साल 2005 रेनो ने इंडिया में अपने पैर जमाए, पर अकेले नहीं, हमारे महिंद्रा के साथ। इस कोलैबोरेशन का नतीजा थी रेनो लोगन 2005 में आई एक मिड साइज सेडान। ऐसे तो रेनो के लिए लोगन थी इंडिया का गोल्डन टिकट, बट रेनो का बैड लक, हाई प्राइसिंग और काफी सैड लुक्स के चलते लोगन हो गई फेल। लोगन इतनी बड़ी फेलियर थी कि इसके चलते 2010 में रेनो और महिंद्रा का जॉइंट वेंचर ही खत्म हो गया। लोगन के फेलियर के चलते रेनो के ब्रांड इमेज पे एक बहुत बड़ा डेंट आया, जिसे रेनो डेस्परेटली ठीक करना चाहता था। सोल्यूशन सिंपल था, एक मस्सी गाड़ी लॉन्च कर दो, लोगन के फेलियर को लोग भूल जाएंगे। तो रेनो ने एक नहीं बल्कि दो गाड़ियां लॉन्च कर दी। रेनो की इंडिया में पहली इंडिपेंडेंट ऑफरिंग फ्लुएंस, एक प्रीमियम सेडान, और कोलियोस, एक प्रीमियम एसयूवी। फ्लुएंस और कोलियोस दोनों सीगेडी व्हीकल्स थी, जिसे रेनो टर्की से इंपोर्ट और इंडिया में बस असेंबल करता था। इसका मतलब ये कि रेनो अभी भी इंडिया में कमिट करने से झिझक रहा था। फ्लुएंस और कोलियोस के बाद रेनो ने हैचबैक सेगमेंट में भी ट्राई मारा और 2012 में लॉन्च की पल्स, जो कि और कुछ नहीं पर एक रीबैच निसान माइक्रा थी। और हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, पल्स थी एक फेलियर। पर अब बस बहुत हो गया था, इट वॉज फाइनली टाइम कि रेनो अब इंडिया में कमिट करे और समझे कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स, और अगर इंडिया में गाड़ी बेचनी है तो इंडिया की तरह सोचना होगा। और फॉर्चुनेटली उस समय इंडिया का एसयूवी बुखार चरम पे था। तो रेनो ने गर्दन घुमाई यूरोप की तरफ, एक काफी पॉपुलर यूरोपियन एसयूवी को उठाया, उसमें भारत अनुसार कुछ चेंजेस किए और 2012 में इंडिया ने स्वागत किया इसका, द रेनो डस्टर। लोगन के बाद डस्टर रेनो की इंडिया में पहली रियल ऑफरिंग थी। लॉन्च प्राइस था मात्र 7,20,000। लॉन्च के पहले महीने में प्रोडक्शन ट्रिपल करना पड़ा, सिर्फ पहले साल में 40,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक गए। डस्टर थी इंस्टेंट हिट। डस्टर के सक्सेस के कारण रेनो फाइनली इंडिया में एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बन रहा था, एसयूवी सेगमेंट में 23% मार्केट शेयर के साथ। सिर्फ 2 सालों के अंदर डस्टर ने 1,00,000 यूनिट्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया। और इसी बीच एक बहुत ही अजीब चीज हुई, डस्टर की पॉपुलैरिटी और मिड साइज एसयूवी कैटेगरी को बढ़ते हुए देख रेनो के सिस्टर ब्रांड निसान ने भी एक एसयूवी निकाली, नाम था टेरानो। टेरानो और कुछ नहीं पर 50,000 ज्यादा महंगी डस्टर ही थी। निसान को टेरानो के साथ कुछ ज्यादा सक्सेस तो नहीं मिला और 2020 में BS6 के चलते किक्स ने टेरानो को किकआउट कर दिया। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे, ऐसा क्या था डस्टर में जिसने इंडिया को इस एसयूवी का दीवाना बना दिया था? इसका जवाब है लोगन। जी हाँ, लोगन एक डिजास्टर थी, पर इसी डिजास्टर ने डस्टर की नींव रखी। लोगन के फेलियर ने रेनो को एक बहुत बड़ी सीख दी। किसी भी गाड़ी को अगर सही सेगमेंट, सही प्राइस और सही कस्टमर को बेचना है तो पहले उस कस्टमर की साइकोलॉजी समझो। रेनो ने एक्चुअली यहाँ चालाकी दिखाई, क्योंकि रेनो समझ गया था कि हम भारतीय एसयूवी को एसयूवी होने के लिए खरीदते हैं, हमें बस एसयूवी वाले लुक्स चाहिए, बाकी कंफर्ट, ड्राइवेबिलिटी और माइलेज वही सेडान वाला। इस बात से तो आप भी अग्री करेंगे कि इंडिया में ज्यादातर एसयूवी ओनर्स अपनी एसयूवी को सड़क से नीचे भी नहीं उतारते, और असली एसयूवीज नॉइजी, इनएफिशिएंट, रफ और भारत की सड़कों के लिए तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं होती। तो यूरोप में चलने वाली ये डस्टर इंडिया के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक परफेक्ट कैंडिडेट थी। रेनो ने यूरोपियन डस्टर में 40 से ज्यादा चेंजेस किए, सस्पेंशन को और ज्यादा लिफ्ट और दरवाजों को रीइंफोर्स करने से लेकर इंजन को भी इंडिया की फ्यूल क्वालिटी के हिसाब से रीट्यून किया। डस्टर में फ्लेड व्हील आर्चेस, रूफ रेस, मस्कुलर और बुच लुक्स, ये सारे एसयूवी वाले एलिमेंट्स हैं। पर अंदर बैठो तो बढ़िया कंफर्टेबल, इंजन भी रिलायबल और एफिशिएंट, और शहर हो या हाईवे, डस्टर का साइज एकदम परफेक्ट, ऊपर से प्राइसिंग सोने पे सुहागा। इन शॉर्ट, डस्टर वॉज द राइट कार, लॉन्च्ड एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्राइस। बाय द वे, डस्टर के बारे में दो चीजें आपको इसे ड्राइव करके ही एक्सपीरियंस करनी होगी, एक तो इसका कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन, दूसरा इसका सुपर स्मूथ राइड क्वालिटी। 2012 से लेकर 2022 तक, इन 10 सालों में लॉन्च से लेकर डिस्कंटिन्यूएशन तक, इंडिया में फर्स्ट जनरेशन डस्टर ही बिकी। रेनो ने सिवाय एक फेसलिफ्ट के डस्टर को जनरेशनल अपडेट दिया ही नहीं। ओरिजिनल 2012 डस्टर में एक 1.6 लीटर K4M पेट्रोल और एक बेहतरीन डीजल इंजन 1.5 लीटर K9 के आता था, दो तरह के ट्यून्स में, 85 PS और 110 PS। फिर 2014 में एकोस्पोर्ट, क्रेटा और विटारा ब्रेजा से कम्पीट करने के लिए रेनो ने डस्टर का ऑल व्हील ड्राइव वर्जन भी लॉन्च किया। डस्टर अपने सेगमेंट की ओनली ऑल व्हील ड्राइव एसयूवी थी। ऑल व्हील ड्राइव डस्टर सिर्फ डीजल, वो भी 110 पीएस वाले वेरिएंट में अवेलेबल, और कॉस्मेटिकली ऑल व्हील ड्राइव स्टिकर्स और स्मोक हेडलैम्प्स के अलावा पूरी गाड़ी सेम थी।
2016 में डस्टर का पहला और ओनली फेसलिफ्ट आया, जिसमें डस्टर को मिले नए हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स, और पहली बार AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल 110 PS वेरिएंट में फीचर हुआ। अब है साल 2020, भागो भैया BS6 आया और इसी के साथ वो प्यारा सा K9K डीजल इंजन चल बसा, जिसकी जगह ली 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड H4K पेट्रोल इंजन ने। पर इसके इमीडिएटली बाद रेनो ने हमें टर्बो पेट्रोल का लॉलीपॉप दिया और 2020 में आई ये द डस्टर टर्बो पेट्रोल। इस स्पेशल डस्टर का USP है ये 1.3 लीटर H5HT 4 सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन डेमलर और रेनो निसान मित्सुबिशी अलायंस में बना। 154 BHP और 254 न्यूटन मीटर रिसेंटली लॉन्च क्रेटा N लाइन के बराबर। दिस इज द मोस्ट पावरफुल डस्टर टू एवर एग्जिस्ट। 2022 में डिसकंटिन्यूएशन के बाद भी डस्टर एक परफेक्ट चॉइस है उन लोगों के लिए जो एक नो नॉनसेंस SUV ढूंढ रहे हैं, जैसे ये 2021 रेनो डस्टर RXZ 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल जो है फर्स्ट ओनर और मात्र 50,000 चली, और अभी अवेलेबल है हमारे न्यूली लॉन्च कास्ट 24 SUV हब पे, जहां आपको मिलेंगे कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर और फुल साइज जैसे 150 से ज्यादा SUVs, इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस और 1.5 लाख तक की सेविंग्स। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे बुक करने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। हमेशा की तरह कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट स्टोरी किस गाड़ी पे देखना चाहेंगे। तब तक के लिए मैं हूं आपका मोटा भाई अक्षत, आप देख रहे हैं कास्ट 24 YouTube, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब टू कास्ट 24। पल्स थी एक फेलियर।